तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी गाड़ी में एप्पल कारप्ले यूज करते हैं और एंड्रॉयड ऑटो यूज करते हैं, लेकिन आप परेशान हैं कि आपको उसको बार बार कनेक्ट करना पड़ता है और बार बार वायर से कनेक्ट करना पड़ता है और उसके अलावा वायर्स का जो है वो क्लस्टर से हो जाता है? तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि बार बार मेरे को एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले कनेक्ट करना पड़ता है और जो वायर है उसका क्लस्टर हो जाता है, गियर के पास काफ़ी सारी वायर्स वगैरह इकट्ठी हुई थी चार्जिंग की और ये वो सब मिला जुला के। तो अगर आप भी इस चीज़ से परेशान हैं तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और आप अपने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेसली यूज़ कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा डिवाइस जिसको यूज़ करके आप अपना एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को वायरलेसली यूज़ कर पाएंगे और ये तारों के झंझट से आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो डिवाइस जो कि आपको आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों, जिस डिवाइस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है ये ऑटोकास्ट कंपनी का वायरलेस यूएसबी अडैप्टर। ये छोटी सी पैकेजिंग के अंदर आता है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग जो है काफी अच्छी है इसकी। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें मिलती है हमारे को। तो चलिए गाइस, इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते ही हमारे को ये डिवाइस देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं छोटा सा डिवाइस है ये, ज़्यादा बड़ा डिवाइस नहीं है और काफ़ी लाइट वेट का डिवाइस है ये। इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद इसको हटाएंगे, यहाँ पर हमारे को एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है, अभी इसको बाद में देखते हैं। और यहाँ देखेंगे तो एक बॉक्स है और इसके अंदर आपको एक ये टाइप सी की केबल मिल जाती है, टाइप ए टू टाइप सी, सॉरी ये यू आई गेस ये यूएसबी टू टाइप सी मिलती है आपको, और एक आपको टाइप सी टू टाइप सी की केबल मिल जाती है। तो बेसिकली अगर आपकी कार के अंदर यूएसबी पोर्ट है तो आप यूएसबी केबल यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी कार के अंदर टाइप सी पोर्ट है तो आप टाइप सी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हमारे को इसके अंदर देखने को मिलेंगी, काफ़ी सिंपल सा सेटअप लग रहा है। अब इसको देखते हैं हम इसको किस तरीके से सेटअप करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस केबल को अपनी गाड़ी के पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मेरे पास जो पोर्ट है वो है यूएसबी का, तो मैं इस यूएसबी केबल को यूज़ करूँगा, यहाँ इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो इसका दूसरा एंड है टाइप सी, उसको हम इस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे। जैसे इस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्लू रंग की लाइट जो है वो जल गई है। अब उसके बाद वेट करना है, अब ये ब्लू रंग की जो लाइट है ये ब्लिंक होगी, आप देख सकते हैं अभी ब्लिंक हो रही है। तो उसके बाद हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लूटूथ सेटिंग्स में। ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाने के बाद हमारे को यहाँ पर जो डिवाइस है वो दिखने लग जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये ऑटो 2BCF दिख रहा है। अब इस ऑटो 2BCF को हम पेयर कर देंगे, जैसे ही पेयर करेंगे आप यहाँ पर आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट आ गई है, इसको भी अलाउ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारा डिवाइस जो है वो हमारे फ़ोन के साथ पेयर हो गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा यूज़ कारप्ले विद ऑटो 2BCF, इसको हमें यूज़ कारप्ले पे क्लिक करना है। यूज़ कारप्ले पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो आपका कारप्ले जो है आपके कार के साथ जो कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो कारप्ले है वो कनेक्ट हो गया है और इसके अंदर आपको सारे फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि आप वायर्ड कारप्ले में आप देखते हैं, जिस तरीके से आप वायर्ड कारप्ले यूज़ करते हैं उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको सारे इसके अंदर फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको मैप के ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे गूगल मैप है, म्यूज़िक का, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर इसके हम स्मूथनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लैग फील नहीं हो रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लैग नहीं आ रहा है। तो अब आप मैं कैबिन के अंदर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको वायर नहीं दिख रही होगी, आप इजीली अपने फ़ोन को आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस कारप्ले के थ्रू। और उसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अब एक बार ही आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो आपको उसको बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर एंटर करेंगे और आप गाड़ी ऑन करेंगे, आपका जो एप्पल कारप्ले है वो वायरलेसली आपकी कार के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। उसके अलावा गाइस, जैसे कि आप वाइड कारप्ले जब यूज़ करते हैं तो अगर आपको कुछ ऐप्स वगैरह को कस्टमाइज़ करना है अपने कारप्ले में तो आप तब उस समय में कर सकते हैं, लेकिन आप इस वायरलेस में भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सबसे पहले हमें सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद जनरल में जाएंगे। जनरल में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा ये कारप्ले, अब इस कारप्ले पर क्लिक करेंगे। अब हमें सिलेक्ट करना है ये ऑटो 2BCF,
इस पे जैसे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल रहा है। कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारे जो ऐप्स है वो दिख जाएंगे जो कि कार्ड प्ले जो है वो सपोर्ट करता है। आप इसमें से कोई सी ऐप अगर अपने कार्ड प्ले पे चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज आप हटाना चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए आप इसको सिंपली या तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे अगर आप आएँ तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अब जो वो ऐप है वो यहाँ से रिमूव हो गई है। आपको यहाँ पर कैलेंडर की ऐप नहीं दिख रही होगी। अब अगर से मुझे वो दोबारा चाहिए तो मैं उसको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और वो दोबारा से जो ऐप है आप देख सकते हैं कैलेंडर की ऐप जो है वो दोबारा से वापस आ गई है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने ऐप्स को जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो डिवाइस है वो कितना ज़्यादा यूजफुल डिवाइस है, आप इसके थ्रू वायरलेसली कारप्ले अपनी गाड़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस डिवाइस को पर्सनली एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने एक लॉन्ग ट्रिप भी करी थी, मैं दिल्ली टू देहरादून और हरिद्वार वगैरह गया था, तो पूरे रास्ते में मैंने गूगल मैप्स यूज़ किए और उसके अलावा स्पॉटिफाई यूज़ किया, तो कहीं पे भी मेरे को ऐसा लैग फील नहीं हुआ कि कहीं पे भी ये लैग कोई कुछ लैग आ रहा हो या फिर ये डिस्कनेक्ट हो रहा हो, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं हुआ। तो पर्सनली मेरे को ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी में काफ़ी म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं या फिर आप कार प्ले ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप तारों के झंझट से छूटना चाहते हैं तो आप इस डिवाइस को परचेज कर सकते हैं। मैंने ये डिवाइस अमेजोन से लिया था और अगर आप भी इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आप उस लिंक के थ्रू जाकर के परचेज करते हैं तो वैसे जो इस डिवाइस की कॉस्टिंग है वो है 7,999, लेकिन अगर आप उस लिंक के थ्रू जाकर के परचेज करते हैं तो आपको पड़ेगा 7,000 रुपये का, जिसके अंदर आप अपना 1,000 रुपये सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। और अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।